एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सेमिनार में ऑडियंस में बैठी एक लड़की ने स्पीकर से पूछा कि सर, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में लोग हारते ही क्यों हैं? हमें तो ये बताया जाता है या जो हम सोच के आते हैं कि कोई स्टॉक अगर हमने ख़रीदा है तो उसके ऊपर जाने की चांस भी 50% है और नीचे जाने की चांस भी 50% है, फिर भी हम बाई करें या सेल करें, मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि हमारा डिसीजन गलत होता है। ऐसा क्या होता है स्टॉक मार्केट की दुनिया में, ऐसा क्या होता है रियल इस्टेट में, CFDs में, बॉन्ड्स में, क्रिप्टो करेंसी में, कमोडिटीज़ में, ऐसा होता क्या है कि हम हमेशा गलत डिसीजन ही लेते हैं जबकि चांस तो 50-50 होनी चाहिए एक आइडियल सिनेरियो में। स्पीकर मुस्कराया और उसने कहा, चलो एक गेम खेलते हैं। उसने उस लड़की को स्टेज पर बुलाया और उससे कहा कि एक ताश का गेम खेलते हैं, मेरे पास ताश के 52 पत्ते हैं और इन पत्तों में इक्की भी है, दुक्की भी है, तिक्की भी है, यहाँ से लेके 3, 4, 5 से लेके 10 तक के पत्ते हैं और ग़ुलाम बेगम बादशाह भी है। गेम ये है कि अगर 21 से लेकर 10 तक कोई भी पत्ता निकलता है तो जितना भी तुम लगाए हो, जितना भी तुमने दाव लगाया है, वो सारा का सारा मेरा हो जाएगा। लेकिन अगर ग़ुलाम निकलता है तो तुम्हें अपने पैसे के दुगने मिल जाएंगे वापस, अगर बेगम निकलती है तो तुम्हारे पैसे के 3 गुना मैं तुम्हें दूंगा वापस, और अगर बादशाह निकलता है तो तुम्हारे पैसे के 4 गुना मैं तुम्हें दूंगा वापस। वर्चुअल मनी से खेलते हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तुम्हारे पास 1 लाख रुपये हैं, 1 लाख सिक्के वो दे देता है उस लड़की को और उससे कहता है कि अब इस ये टोकन है, इन टोकन में से तुम्हें जो भी लगाने हैं, जितनी बार भी लगाने हैं वो तुम्हारी मर्ज़ी है, जैसे भी तुम्हें लगाने हैं लगाओ। और एक और बात है कि इस गेम के दौरान तुम अपने सारे जितने भी यहाँ पे तुम्हारे साथ दोस्त आए हैं या फिर ऑडियंस में बैठे किसी भी इंसान से सलाह ले सकती हो, किसी भी इंसान से राय ले सकती हो, किसी से भी पूछ सकती हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कितने पैसे लगाने चाहिए, कितने का दाव खेलना चाहिए। सारे के सारे पत्ते मैं तुम्हारे सामने रख दूंगा और उनमें से तुम्हें एक पत्ता चुनना होगा और जैसा उस पत्ते में होगा तुम्हारी इन्वेस्टमेंट के साथ भी वैसा ही होगा। लड़की इस गेम के बारे में सोचती है और कहती है कि खोने के लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं, शायद मैं यहाँ से कुछ सीख जाऊँ, तो इस गेम के लिए मान जाती है। गेम शुरू होता है, जादूगर 52 के 52 पत्ते उस लड़की के सामने रख देता है और लड़की से कहता है, अब चुनो कि तुम्हें कितने लगाने हैं। लड़की कहती है कि 1 लाख रुपए मेरे पास हैं तो मैं स्टार्ट करूंगी 10,000 से। 10,000 रुपये लड़की लगा देती है। 10,000 रुपये लगाने के बाद लड़की पत्ते को उठाती है, तो पत्ते को जब उठाती है तो पत्ता निकलता है 8 का। 8 का पत्ता निकलता है, जादूगर कहता है कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गई थी तुम, 8 से 3 ज़्यादा भी अगर हो जाता और ग़ुलाम निकल जाता तो तुम्हारे पैसे के दुगने हो जाते, लेकिन क्योंकि 8 निकला है तो ये जो पैसे हैं 10,000 रुपये वो हो गए मेरे। लड़की के पास बचते हैं 90,000 रुपये। अब 90,000 रुपये लड़की के पास बचते हैं, जादूगर उसको फिर से याद दिलाता है कि ऑडियंस में बैठे हुए जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों में से किसी से भी तुम एडवाइस ले सकती हो, किसी से भी तुम सलाह ले सकती हो, किसी से भी पूछ सकती हो, कोई भी तुम्हें बता सकता है कि अगला जो दाव है वो तुम्हें कितने का खेलना चाहिए। लड़की ये सोचती है कि जो इन्वेस्टमेंट उसका इनिशियल था उसमें से 10% तो वो ऑलरेडी गंवा चुकी है, तो अगला दाव अब वो खेलती है 20,000 रुपये का, क्योंकि उसकी सोच ये होती है कि अगर इस दाव में वो हार गई तो भी उसके पास 70,000 रुपये बचे हैं, बट अगर इसमें ग़ुलाम भी निकल गया तो भी वो 1,10,000 पे आ जाएगी और अपने कैपिटल को भी रिकवर भी कर लेगी और साथ ही साथ एक प्रॉफिट पे भी आ जाएगी। गेम आगे चलता है, जादूगर 52 के 52 पत्ते लड़की के सामने लगा देता है, लड़की एक पत्ता उठाती है और वो पत्ता निकलती है नैला यानी 9 का। अब जादूगर कहता है कि तुम धीरे धीरे पास आ रही हो ग़ुलाम के, शायद अगली बार तुम्हारा ग़ुलाम या बेगम या बादशाह में से कुछ निकल जाए। लेकिन लड़की अपने कैपिटल को देखती है, अपने सिक्के को देखती है और उसमें 70,000 रुपये बचते हैं। जादूगर पूछता है कि तुम्हारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसमें कितना तुम डाउन हो चुकी हो। लड़की बोलती है कि 30% मैंने गंवा दिया है, इसका मतलब अगर मुझे वापस आना है तो मुझे 30,000 रुपये अब कमाने होंगे 70,000 रुपये के कैपिटल पे, यानी 50% से थोड़ा सा कम मुझे और कमाना है अपने कैपिटल पे। जादूगर कहता है तुम्हारा अगला दाव कितने का होने वाला है। लड़की कहती है कि अब मैं अगला दाव खेलूँगी 50,000 का। अगला दाव 50,000 का लग जाता है। जादूगर फिर से लड़की को बोलता है कि तुम अपने किसी भी मित्र, किसी भी सखे संबंधी से पूछ सकती हो, किसी से भी एडवाइस ले सकती हो। लड़की कहती है कि एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे रियल मनी तो है नहीं। लड़की 50,000 के साथ जाती है और 20,000 उसने रखे होते हैं जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पस।
20,000 लड़की ने जो रखे होते हैं वैसे तो उनका कोई मतलब नहीं होता है। जादूगर ये भी बोलता है, इंसिस्ट भी करता है कि क्यों ना तुम सारी लगा दो, क्योंकि बचे हुए 20,000 से तुम क्या ही करोगी। लड़की कहती है कि नहीं, इनसे हो सकता है मैं एक और दाव खेल लूँ और उसमें मेरा बादशाह निकल जाए तो मैं 80,000 पे भी आ सकती हूँ अगर मैं इस दाव में हार गई। गेम आगे चलता है, लड़की पत्ता उठाती है, वो पत्ता निकलता है 3 का और लड़की के 50,000 भी गायब हो जाते हैं और जादूगर उन्हें भी ले लेता है। अब जादूगर गेम को रोक देता है और वो लड़की से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। लड़की कहती है गड़बड़ की तो ऐसी कोई बात नहीं है, बस 3 बार मेरी किस्मत ही ख़राब थी और मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो सारा का सारा चला गया। जादूगर वहीं पे लड़की से कहता है कि गेम ख़त्म हो गया और उससे वापस अपनी सीट पे बैठ जाने के लिए कहता है। उसके बाद जादूगर सब अपनी जेब से सबके सामने पत्ते निकालता है और उसकी जेब से जो पत्ते बाहर आते हैं वो होते हैं 4 गुलाम, 4 बेगम और 4 बादशाह। ताश की जो गड्डी जो जादूगर ने लड़की के सामने रखी थी उसमें 52 की जगह केवल 40 पत्ते थे और जितने भी गुलाम, बेगम और बादशाह थे सारे के सारे जादूगर की जेब में थे पूरे टाइम तक। सारे लोग जादूगर पे गुस्सा करते हैं, स्पीकर पे गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है, ये तो कोई गेम नहीं था, ये तो तुम बेवकूफ़ बना रहे हो हमें। स्पीकर सबको शांत करता है और कहता है यही चीज़ तो मैं तुम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था इतनी देर से। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी होता यही है हमारे साथ, हम वहाँ पे जो भी दाव खेलते हैं वो सारे के सारे दाव हम हारते इसलिए हैं क्योंकि हम कभी सवाल ही नहीं उठाते। इस गेम को खेलने से पहले इस लड़की के पास भी ये ऑप्शन था कि ये मुझसे पूछ सकती थी, एक बार ये हार गई दाव अपना, दूसरी बार ये दाव हार गई, तीसरी बार दाव लगाने से पहले ये मुझसे पूछ सकती थी कि मैं 50,000 यहाँ पे लगाने जा रही हूँ, भले ही वो वर्चुअल मनी है फिर भी इसका ये हक बनता है कि ये मेरे पत्ते चेक कर सकती थी, ये कह सकती थी कि मुझे लग रहा है इस ताश की जो गड्डी है, क्योंकि 12 पत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको एक अंदाज़ा तो लग ही जाना चाहिए कि इसमें कुछ पत्ते कम हैं। फिर भी इसने ऐसा नहीं कहा, इसने मुझ पर पूरा भरोसा किया क्योंकि इसने ये सोचा कि मैं जो गेम खिला रहा हूँ इसको, मैं उस गेम में एक्सपर्ट हूँ और मैं ऐसा कुछ करूँगा ही नहीं। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में भी हम गलती यही करते हैं, हम सुनते हैं रिटेल ब्रोकर्स की, हम सुनते हैं न्यूज़ वालों की, हम सुनते हैं टीवी के एक्सपर्ट्स की, हम सुनते हैं यूट्यूब के एक्सपर्ट्स की, किसी भी एक ऐसे इंसान की हम सुनते हैं जिसको हम इतना एक्सपर्ट मानते हैं। हम अब कभी अपने रिश्तेदारों की सुनते हैं, कभी हमारे मन में कोई ऐसी बात आती है या हमें पता चलता है कि हमारा कोई एक रिश्तेदार है जो काफ़ी टाइम से शेयर मार्केट में है। काफ़ी टाइम से शेयर मार्केट में होना, काफ़ी टाइम से इस मार्केट को एक तरीके से ऑब्ज़र्व करना सिर्फ ये बताता है कि आपको उस मार्केट का एक्सपीरियंस होगा, आपको एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा नॉलेज होगी, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जो डिसीजन है वो सही होगा और किसी और को भी उससे फ़ायदा होगा। लेकिन शेयर मार्केट में हम यही गलती करते हैं क्योंकि बाकी हर जगह हमने यही देखा होता है कि जिसको उस फील्ड का एक्सपीरियंस है वही उस फील्ड में अच्छा करता है, पर शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता है। शेयर मार्केट में जब एक नया इंसान आता है तो वो ये सोचता है कि मुझे तो कुछ पता नहीं है और मुझे अगर इस मार्केट में कुछ करना है, अपने पैर जमाने हैं, तो मुझे एक्सपर्ट्स की राय लेनी ही पड़ेगी जो इस मार्केट में काफ़ी टाइम से हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हो, आप चेक करना भूल जाते हो कि जिसको आप फॉलो कर रहे हो क्या वो आपको सही राय दे भी रहा है, जिसको आप फॉलो कर रहे हो क्या उसकी नॉलेज सही है, जिसको आप फॉलो कर रहे हो क्या वो आपकी आँखों पर एक पट्टी तो नहीं बांध रहा जैसे कि मैंने अभी बांधी, एक झूठ की एक पट्टी बांधी, एक अंधकार की पट्टी बांधी। मैंने ये दिखाया कि मेरे पास 52 पत्ते हैं और हर बार पत्ते जब मैंने इसके सामने फेरे मैंने हर बार बोला कि ये 52 के 52 पत्ते मैंने तुम्हारे आगे फेरे, फिर भी इसने कभी भी ये सवाल नहीं पूछा कि क्या ये पत्ते एक्चुअली में पूरे हैं। शेयर मार्केट में भी यही है, इन्वेस्टमेंट की हर बेसिक दुनिया में यही है। आप अपने ब्रोकर्स की सलाह लेते हो, आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लेते हो जो आपको गलत सलाह देता है और उसकी वजह से ही ये होता है कि आप एक ऐसी गेम खेल रहे हो जहाँ पे आपके जीतने के लिए कोई पत्ते ही नहीं है, तो आप हमेशा गलत पत्ता ही उठाते हो। क्यों गलत पत्ता उठाते हो? क्योंकि आपके सामने गलत पत्ते ही फेरे जाते हैं। तो सही पत्ते उठाने के लिए तरीका क्या है, डिस्कस करते हैं आगे।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का दशावंश निगम वे में। आप देख रहे हो मुझे इनको, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। काफ़ी टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में, और अगर आप अभी तक इस वीडियो में टिके हुए हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आप एक एक्सेलेंट सब्सक्राइबर हो, आप वीडियोस को पूरा देखते हो। जिस सवाल का जवाब आप लोग ढूंढ रहे हो, वो सवाल का जवाब उस मैजिक ट्रिक में ही आपको मिल गया होगा। सवाल का जवाब यही है कि आप खुद की रिसर्च नहीं करते, आप इंडिपेंडेंट खुद के डिसीजंस नहीं लेते, आप वो देखते हो जो आपको दिखाया जाता है। आप ये देखते हो कि न्यूज़ में रिलायंस का स्टॉक है, आप ये देखते हो कि रिलायंस की 5 बार खबर आ चुकी है कि रिलायंस ने 5 बड़ी बड़ी जो डीलें हैं, बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है, कहीं ना कहीं से मतलब रिलायंस डेब्ट फ्री हो रहा है। आपको सारे के सारे पेड एडवाइजर्स, सारे के सारे टीवी के एक्सपर्ट्स, सब के सब रिलायंस का स्टॉक बेचने में लगे हैं। थोड़ा दिमाग तो अपना लगाओ। Infectious disease specialist Dr. Anthony Fauci is expressing optimism about a recent vaccine trial. The vaccine is being developed here locally. दोस्तों, ये जो कंपनी है इसका नाम है मॉडर्ना, और ये जो कंपनी है ये बेसिकली कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है, इसके शुरुआती जो स्टेज के फेस के जो नतीजे थे, पहले फेस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे इसकी वैक्सीन के रिजल्ट्स। और उस दिन क्या हुआ था, ये शेयर जो है $80 का हाई मारा था, और सारे के सारे जो टीवी के एक्सपर्ट्स थे, जिनको सो कॉल्ड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हो, उन सब ने आपको राय दी थी कि $80 के ऊपर इसको खरीदो। ठीक है, ये शेयर इंटरनेशनली ट्रेड होता है, और $80 से आज ये शेयर की जो आज की वैल्यू है वो है $69। ठीक है, और देखो एक लेसन तो इससे ये ले जाओ आप कि कोई न्यूज़ वाला आपको बोल रहा है कि ये अच्छा है ये बुरा है, तो ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो गलत बोल रहा है, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उस पर शक करो या, लेकिन थोड़ा सा ये तो सोचो कि आप पैसा उसका नहीं लगा रहे हो, आप अपना खुद का पैसा लगा रहे हो, तो आपका ये हक बनता है कि आप इन्वेस्टिगेशन तो करो। आप उस पर इन्वेस्टिगेशन मत करो, आप शेयर पर इन्वेस्टिगेशन करो। वो शेयर जो आपको बेच रहा है, वो शेयर जो आपसे लेने के लिए कह रहा है, वो शेयर कैसा है, वो कंपनी कैसी है, क्या उसके पास्ट में कुछ परफॉर्मेंस ऐसी है, या फिर क्या आप सिर्फ एक फर्जी की न्यूज़ पर आप उसको ले रहे हो, क्या वो न्यूज़ ऐसी है जो न्यूज़ सिर्फ आपको पता है या पूरी दुनिया को पता है। अगर वो न्यूज़ पूरी दुनिया को पता है तो मैक्सिमम केसेस में पूरी दुनिया आपसे ज़्यादा समझदार है। गलती हम लोग ये करते हैं, हम लोग सोचते हैं हम सबसे ज़्यादा समझदार हैं क्योंकि हम किसी ऐसे को फॉलो कर रहे हैं जो समझदार है, लेकिन जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं अंत में वही हमें बुर्क बना ले जाता है, अंत में वही हमें बेवकूफ़ बना देता है। तो सबसे अच्छा ये है, अगर आप सच में चाहते हो कि शेयर मार्केट में आपकी प्रॉबिबिलिटी 50-50 पर रहे, अपने आप को फॉलो करो, न्यूज़ बंद कर दो, मत देखो किसी चीज़ को, मत सुनो किसी की। ये सारे के सारे जो लोग हैं, इन्होंने 7,500 की निफ्टी और 8,000 की जब निफ्टी आ गई थी उस टाइम इन्होंने बोला था कि निफ्टी में बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे नहीं होता बाज़ार में, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको पता है बाज़ार ऐसे नहीं चलता। किसी और को फॉलो करके आप सोचते हो कि आप अमीर बन जाओगे, उस चैनल को सिर्फ आप केवल अकेले नहीं देखते हो, बहुत से लोग उस चैनल को देखते हैं, और वो बहुत से लोग, और ये भी ध्यान देना है कि बहुत से लोग शेयर मार्केट में लॉस करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ समझ आया होगा, कुछ आपको सीख मिली होगी। करना क्या है, करना ये है कि चेक करना है, करना ये है कि देखना है कि जो पत्ते मेरे सामने रखे जा रहे हैं, जो स्टॉक्स मेरे सामने रखे जा रहे हैं, उनमें गुलाम बेगम बादशाह हैं या नहीं है, कोई ऐसे स्टॉक क्या उनमें हैं जो मेरी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं, ये देखना है। कैसे देखना है, एक्सपीरियंस से देखना, अपनी नॉलेज से देखना है, सीख कर देखना है। बस यही कहना चाहूँगा मैं आपसे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे पता है काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आपको ऐसा लाइक शेयर कमेंट के लिए बोलते होंगे, आपको अच्छा भी नहीं लगता होगा, तो चलो ठीक है, मैं ये सब वैसे तो चाहता हूँ कि आप लोग करो, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूँगा कि अगर आपने इतनी देर तक इस वीडियो को देखा है तो मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो। तो आपके लिए नमस्कार और जय हिंद।